असर हुआ है, ये धरना अब खत्म हो गया। प्रमोद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। प्रमोद, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, लगभग कल धरना खत्म हो चुका है। सीनियर ऑफिसर आए थे, जॉइंट सीपी शालिनी सिंह, जॉइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव, मनीष अग्रवाल, जॉइंट सीपी, ये लोग आए थे। इन्होंने बड़े प्यार से, जो लोग धरने पे बैठे थे, कैंडल लेके उन्हें उठाया और उन्हें बोला कि आपकी बातें ज्यादातर मान ली गई है और ये घर की बात है, घर में ही बैठ के बात होती है, इस तरीके से सड़क पे बैठ के किसी बात का चल नहीं निकलता। उसके बाद ज्यादातर लोगों को उठा दिया गया था और फिर रोड को ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया था। ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे अब जा चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे जाना शुरू कर रहे हैं। हमारी पॉइंट टीवी जो देवेश श्रीवास्तव है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि लगभग ये प्रोटेस्ट है खत्म हो गया है, डिस्पर्स कर दिया है ज्यादातर लोग, और जो बाकी बचे लोग हैं वो भी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो सिर्फ मीडिया की वजह से यहाँ है, बाकी ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। यानी कि प्रमोद, जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं वो ये कि जो प्रदर्शन कर रहे पुलिस वाले थे उनमें से ज्यादातर अब लौट चुके हैं, ये धरना अब खत्म हो चुका है। यानी कि जो ठोस आश्वासन की बात की जा रही थी उस पर विश्वास किया है पुलिस वालों ने। एक बार मांगे क्या थी, जल्दी से हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। देखिए, इनकी मांगे ये थी कि जो दोषी वकील हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, जो इनको सस्पेंड किया गया है उनको बहाल किया जाए और निष्पक्ष पहले जांच हो, उसके बाद जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए कि कभी भी कुछ भी टकराव अगर पुलिस का किसी के साथ होता है तो सीधे तौर पे पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इस चीजों को मांगों को लेके ये लोग आए थे और ज्यादातर मांगे जो है वो पुलिस ने जो है अपने पूरा आश्वासन दिया है कि वो सही जगह पे रखेंगे और ज्यादातर मांगों को मान ली जाएगी। उसके अलावा जो घायल पुलिस कर्मी हुए हैं उन्हें 25,000 का मुआवजा देने की बात। और प्रमोद, हम आज पूरा दिन देख रहे थे कि बड़ी संख्या में क्योंकि पुलिस वाले वहां पर थे, जमा थे, ऐसे में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया था, अब वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, आप जो है ट्रैफिक को खोल दिया गया है क्योंकि पहले ट्रैफिक रुका हुआ था, इस वजह से आईटीओ के आसपास में जो है काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो गया था और पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था और उसके बाद पीक आवर होने की वजह से अब जो है ट्रैफिक को खोल दिया गया है, थोड़ा ट्रैफिक स्लो जरूर है। बिल्कुल बड़ी खबर प्रमोद यहां पर बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नर की तरफ से ठोस आश्वासन प्रदर्शन कर रहे पुलिस वालों को दिया गया और उसके बाद धरना खत्म करने को लेकर वो राजी हो गए। ज्यादातर पुलिस वाले अब यहां से लौट चुके हैं, ये धरना अब खत्म हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।